हाँ भाई महिपाल। हाँ जी चौधरी साहब। हाँ भाई वीरेंद्र। हाँ जी कैसा आना हुआ तुम्हारा? चौधरी साहब बहुत दूर से आए अपने गांव से आपके पास अपना केस लेके। अच्छा ये केस चल रहा था हमारा 10 साल का अदालत में, वो जज साहब भी कोमा में चले गए, उसमें एक केस सोल्व नहीं हुआ हमारा। अच्छा जी आपकी अदालत में आए तो मेरी अदालत में तो एक ही उसूल है, इससे भगाओ मैं कुत्ते, और जो भी झूठ बोल रहा उसको बजोगे जूते। चालू करो केस। इसलिए हम आपकी अदालत में आए वकील साहब, कार्रवाई शुरू करो। लो जी फाइल देखो आपका। ये केस 10 साल पहले चल रहा था कोर्ट के अंदर, ठीक है जी। वो तो बीमार पड़ गया, कोई बात नहीं, मजबूर हो गए, लेकिन सजा तो मिलनी चाहिए ना किसी को जो भी गुनहगार होगा। नहीं गुनहगार जो होगा सजा मिलेगी तो मिलनी चाहिए नहीं। तो उसमें केस की जो तहकीकात में की गई तो उसके बारे में बताना चाह रहा आपको कि मतलब औरत जो है खाना बना रही है। अच्छा ठीक है, खाना जो बना रही है उसका मर्द आया, थका रहा होगा, कोई बात नहीं, चलो मान लेते थकावा होगा। वो जब वो थकावा होगा वो सो गया जा रहे, औरत खाना लेके गई तो वो सो गया, उन्होंने सोचा थकावा होगा इसलिए चलो क्या उठाऊँ, थोड़ी देर में उठा दूँ, उसने खाना रख दिया। उसके बाद फिर मर्द उठा है 4 बजे, वो कहते हैं मुझे रोटी क्यों नहीं दी, मैं खाना नहीं खाता, ये करता वो करता, पता नहीं क्या क्या बताने लगा, मतलब ये कि इतना खाना नहीं खाया फिर। और वो खाना बच गया सूखी रोटी, अब उनका क्या होगा बताओ, वो सूखी रोटी कौन खाएगा जो बची, वो भी तो पैसा लगा हुआ जिसमें। हाँ जायज बात है बिल्कुल, औरत 1-1 रुपया जोड़ दिए। हाँ जायज बात है आपका जी। जी मेरे वकील की सिर्फ इतनी गलती है कि वो सो गया, आगे थका हारा था वो सो गया और वो उठ नहीं सका, रोटी के टाइम उठ नहीं सका, लेकिन इसे उठाने वाला वाली मौजूद थी वहाँ, लेकिन फिर भी नहीं उठाया। बंदा 4 बजे खुद उठ के रोटी मांगने गया तो अब इसने धमका के मार दिया, कपड़े धो रही थी वो, तो गलती इसकी गलती है बहुत बड़ी। ऑब्जेक्शन चौधरी साहब, गलती नहीं है। क्यों? मैंने आपको क्या बताया, जब वो खाना बना के लेके गई तो उन्हें सोचा सो रहा था जब आया होगा, उसने सोचा थोड़ी देर में उठा दूंगी, तो इसमें गुस्सा करने वाली तो कोई बात नहीं थी। बात तो तेरी पॉइंट की है तो फिर बताओ, मगर खाना अपने मर्द को उठने के बाद भी देना चाहिए था इसको। तो वो कपड़े धो रही थी, लेके खा सकता था। मेरा वकील इतना वो नहीं है कि वो अपने आप लेके खाएगा, गलती इसकी है, सजा इसे मिलनी चाहिए। इसकी गलती नहीं है, इसकी गलती नहीं है भाई, गलती इसी की है। इसकी गलती कैसे निकल जाएगी? अरे इसकी गलती है, सारी गलती इसी की है। मेरा मुवक्किल तो बेकसूर है, इन्हें तो खामा कहीं फंसा जाए, फंसाया जा रहा है। चौधरी साहब मेरे मुवक्किल की गलती हो ही नहीं सकती। ये बताओ, जब औरत मर्द कमाए जाता है घर में, उसके ऊपर जोड़ती है नहीं जोड़ती है, तो उसको खाने का बहुत तगड़ा मलाल हुआ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, यहाँ बात रुपए पैसे की नहीं हो रही, यहाँ बात रोटी। आपने देखा इसमें क्या लिखा हुआ, ठीक है वो इनको भी दिखाना, मेरे मुवक्किल की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। ये तो खामा खाई मेरे वकील को फंसाया जा रहा है, इसके इनके खिलाफ साजिश करी जा रही है, ये तुम्हारी मुवक्किल की गलती है भाई। खाना वेस्ट किया है। सुनो तो, जब तुम मेरी पंचायत में आया फैसला मैं करूँगा, 2 मिनट रुक जाओगे? ठीक है जी, आपके ऊपर रख दिया बात, कोई बात नहीं। अब जोगिंदर। हाँ जी भाई, गलती तो इसमें मर्द की लग रही है भाई। देखो औरत मेहनत करती है घर के अंदर। हाँ जी करती है, रोटी बनाती है, पैसा भी लगाया है, सब कुछ करती है। और भाई रही बात रोटी की, रोटी बचाना एक बहुत बड़ी वो है, बड़ी बात। क्यों? कि बाजे बाजे को तो ये रोटी नसीब भी नहीं हो रही। जी जी, इस रोटी से तरस रहा आदमी। हाँ जी। हाँ जी, और वो 4 रोटी बिरान कर रहा। जी इसमें तो मर्द की गलती है, 4 रोटी बिरान गई, किसी गरीब का पेट भरता, इसको एक वक्त की रोटी मिल जाती। बहुत अच्छी बात होती है नहीं, अब भूखी मर रही बाजी बाजी, तुम्हें परेशान हो रही कंडे खंडे में, अरे 4 रोटी बचा रहे घर के अंदर और कूड़ेदान में डाल रहे, गलत ठीक है ना? तो फैसला औरत के हक में लिया जाए। ठीक है, मैं जो फैसला लूँगा तब मेरा फैसला मानना अभी तो आपके पास है भाई। इसमें मर्द की गलती, देखो औरत ने मेहनत करी, रोटी बनाई, ठीक है वो टाइम पे नहीं थी वहाँ से, कुछ अपना काम कर रही थी, मगर इंसान रोटी अपना आप ले लेता तो उसमें बेहतर था, क्योंकि रोटी बिरान ना जाती। इंसान इस रोटी के लिए तरस रहा है, सच्ची बात, तड़पता फिर रहा है इस रोटी के लिए, सच्ची बात है।
भूखा मर रहा है कि काम धाम तो कोई ऐसा है नहीं बेचारा, एक तक आदमी इस रोटी के लिए अन्न के लिए तरस रहा है, अब अन्न की भेद भी कर रहे हैं लोग हैं, चार चार रोटी बचा के डस्टबिन में डाल दी, पक्की बात है, ठीक है ना भाई, इसमें मर्द की गलती है। तो मेरी तरफ से मर्द की यह सजा है कि इसको चार दिन की रोटी ना दिया जाए, चार दिन तक के इसको रोटी ना दी जाए, जब इसको अहमियत की रोटी का पता लगेगा। इनके वकील को बताओ, और औरत की थोड़ी ये गलती है कि मर्द से पूछ के रोटी बनाए, अन्न की वेद भी ना करें। चलो मैं अपने वकील को समझा दूंगा। तो मेरी अदालत ने तो यह फैसला दिया है और तुम मानते हो, ठीक है चौधरी साहब आप, मगर आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है औरत मर्द भाई अन्न की वेद भी ना करें और आप दोनों आपस में प्यार से रहें। तो मेरी पंचायत का हाथ जोड़ के यही फैसला है कि आप खुशहाल रहो और अन्न की वेद भी ना करो, प्यार मोहब्बत से रहो। धन्यवाद।